हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो यार मुझसे पूछते हैं कि सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं IQ ऑप्शन बैनमो या ओलिम्प जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ, या अगर हम स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड लेते हैं तो कैसे हम हमारी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ना गाइज, बहुत पोटेंशियल रखती है। ठीक है, मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, फॉरेक्स में ट्रेड लेते हो, IQ ऑप्शन या फिर आप बाइनरी ऑप्शंस के साथ ट्रेड लेते हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि यार भाई तू ट्रेड लेता है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? यस भाई, मैं लेता हूँ ट्रेड। तो वो बोलेगा यार तुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता है? तो हम बोलेंगे यार ये क्या चीज़ है, तो मैंने सुनी नहीं। तो वो चीज़ वहाँ पे ना यार, हम एकदम बेवकूफ़ बन जाते हैं किसी के सामने। क्योंकि ये ऐसी स्ट्रैटजी है ना, इसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना यार, बहुत अच्छी स्ट्रैटजी है, काम आने वाली आपको हर एक फील्ड में। ठीक है, और एजुकेशन में भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना, बहुत मज़ा आने वाला है कैसे हम अप्लाई करेंगे IQ ऑप्शन के साथ। अब पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है, वीडियो छोटी रखने की ज़रूर कोशिश करूंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा यार, अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं सबसे पहले आती हैं टेलीग्राम चैनल पे, लाइव ट्रेडिंग और बहुत कुछ। दूसरी चीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, तो यार अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। क्योंकि आने वाले टाइम में जो अपडेट्स हैं वो आपको सिर्फ इसी एक चैनल पे मिलने वाले हैं, रिगार्डिंग बाइनरी एंड फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट। सो गाइज, अभी आप जो है मेरे PC इंटरफेस पे हैं, ठीक है, PC इंटरफेस पे हैं, यहाँ पे IQ ऑप्शन का लाइव अकाउंट अभी लॉगिन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटर्स के सेक्शन पे अगर मैं जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पॉपुलर इंडिकेटर्स में जाता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो, आपको स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं मिलती है। जैसे मैंने अगर पॉपुलर सेक्शन पे भी जाता हूँ, तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही है, नहीं। तो इसके लिए क्या करना है? तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप खुद अपने आप से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हो। ठीक है, मतलब आपको बनानी है ये स्ट्रैटेजी, कैसे कर सकते हो आप? देखिए, यहाँ पे ग्राफिक्स टूल का नाम एक ऑप्शन आ रहा है, ग्राफिक टूल, लेकिन आपको नहीं पता होगा इसका करते क्या है, ग्राफिकल टूल से होता क्या है। ठीक है, आज हम इसी का यूज़ करेंगे। तो ग्राफिकल टूल में मैंने क्लिक किया, हॉरिजेंटल लाइन पे मैंने क्लिक किया। अब हॉरिजेंटल लाइन पे मैंने क्लिक तो कर दिया, लेकिन अब इसको लगाना कहाँ पे? तो यार आपको ये चीज़ देखनी है, यहाँ पर ये आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये देखिए, ये 1 मिनट का चार्ट है, फिलहाल आप देख पा रहे होंगे, ऐसे 1 मिनट का चार्ट है। तो आपको क्या करना है, इसके टॉप लेवल पे आपको यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, तो ये जो लाइन लग गई है ना गाइस, ये मैंने फिट कर दिया। ये जो लाइन है इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते, तो ये जो लाइन है ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस, यानी सॉरी, हाँ, सपोर्ट हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नंबर 2 का। तो यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या होना, एक के साथ नहीं चलना, हमें डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ हमेशा रहना होता है। तो हॉरिजेंटल लाइन को मैंने क्लिक किया, एंड देन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब मेरे को एक नीचे भी लाइन चाहिए, जहाँ पे हमारा लास्ट कैंडल बन रही ना, इस पे भी हमें एक लाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकल टूल पे फिर से क्लिक किया, मैं हॉरिजेंटल लाइन पे गया, एंड देन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एंड देन मैंने एक बार और ग्राफिकल टूल पे क्लिक किया, हॉरिजेंटल लाइन पे गया, एंड देन यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 एंड रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 हमारे पास हमेशा होने चाहिए। देखिए, अब हमारा जो ग्राफ है वो लगभग इसी के अंदर रहेगा, पीछे भी और आगे भी, लगभग। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करेगा इन लाइंस को। तो अब हमें इतना पता लग गया है कि जैसे ही हमारी जो ग्राफ है वो इसको टच करती है या इसको टच करती है, तो नेक्स्ट फिर ग्राफ जो है एक ही डायरेक्शन में रहने वाला है। भैया, आप कितनी प्यारी स्ट्रैटजी मैंने आपको बताई है, लेकिन अब आपको पता लगे, अब आप सोचोगे यार इसके लिए तो बहुत वेट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे टच करता है या फिर यहाँ टच करता है तो मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल गलत हो आप, आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। कैसे? अब आपको क्या करना है, वापस जाना है ग्राफिकल टूल पे, और अब जो है आप वर्टिकल लाइन ले लो। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ले लिया आपने। क्यों मैंने कहा, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम कैंडल थी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाना है फिर से ग्राफिकल टूल पे, और हम ट्रेंड लाइन लेंगे। अब ट्रेंड लाइन ले लो या फिर आप लाइन ले लो। तो अब इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको पकड़ के ले गया, और जो हमारे पास अभी जो ट्रेंड चल रहा है, फिलहाल जो कैंडल चल रही है मेरे पास, यानी यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर लेके चला गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको यहाँ पे, ओके। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये जो सेक्शन है, अब यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से एक लूँगा ट्रेंड लाइन,
ओके मैं फिर से एक ट्रेंड लाइन दे रहा हूँ, वीडियो को पूरी देखना क्योंकि आज नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। फिर से मैंने एक लाइन ली एंड देन अब मैं जो है ये देखो, ये लाइन तो यहाँ से लेके मैं लेके गया यहाँ तक, अब जो दूसरी लाइन मैं लेने वाला हूँ वो मैं यहाँ से लूँगा, ओके वो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ और अब जो दूसरी लाइन लेगी वो इसके परपेंडिकुलर में लेने वाला हूँ, ओके ये देखिए ये एग्जैक्टली अब कुछ, हाँ अब देखिए कुछ लोग होंगे बिल्कुल, अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग होंगे जो ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर आप कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ तो आपने चेंज ही कर दी स्ट्रैटेजी को। तो भैया मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या कमेंट में अच्छे शब्द नहीं यूज़ करते, तो यार उन लोगों को बताना चाहूँगा भैया हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी का अपना कन्वीनियंस का समझने का तरीका होता है, ना कि दूसरों को समझाने का। मतलब मैं अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को बना रहा हूँ, पहली बात तो यार मैं बता देता हूँ डिस्क्लेमर के साथ कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ ये लाइन होती है और ये लाइन होती है, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल वे है समझाने का और समझने का। तो कोई इसके ऊपर ऑफेंस नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर आपने अलग तरीके से स्ट्रैटजी बताई है, क्योंकि मैं आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लियर स्ट्रैटजी बताता हूँ उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, सपोर्ट लेवल 1, 2, 3 और रेजिस्टेंस लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सिग्नल को लेने के लिए। लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ ना, तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैंने दो लाइनें यहाँ पे कर दी है, एक इसके ऊपर के पॉइंट से और एक नीचे के पॉइंट से जहाँ पे ये एंड हुई थी, और एक मैं यहाँ पे करूँगा जहाँ पे ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, और ये भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा इसके हॉरिजेंटल, इस लाइन के वर्टिकली जो लाइन अभी ये करी है इसके हम परपेंडिकुलर, सॉरी माफी चाहूँगा पैरेलल, ओके। तो अब क्या है सिनेरियो, देखो ये ऊपर की जो लाइन है हमें मेनली इसको कंसीडर करना है अभी, तो ये ऊपर की लाइन देखिए यहाँ पे ये लाइन इस आपकी जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड के जहाँ अगर आपकी कैंडल को कट करती है तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है, मतलब इस लाइन से ऊपर रहने के चांसेस हैं। देखो अभी मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, शायद आप समझे नहीं होंगे, एक लाइन में हटा देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी समझना, इससे को बाद में मैं आपको समझाऊंगा। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सही रहे समझने के लिए, तो यहाँ पे इसका कलर मैं अभी कर देता हूँ रेड, ठीक है। सो गाइस थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए ये लाइन आपने यहाँ से ऊपर से क्लिक कर दिया, अब मैंने आप बोलोगे यहीं पे क्यों क्लिक किया, आपने आगे क्यों नहीं क्लिक की, तो भैया आपको क्या करना है इसको यहाँ से पकड़ना है और एक टेढ़ी लाइन खींच देनी है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, देखिए अगर ये जो लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की, अगर कैंडल आप यहाँ से नीचे से स्टार्ट होती है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ हैं इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी, अगर इस लाइन को क्रॉस किसी कैंडल ने कर दिया तो उसके बाद इस लाइन से ऊपर ही रहने वाली है, इतना समझ लो आप, ठीक है, मतलब सिंपली इतना समझने की बात है। अब अगर आपको लगता है कि भैया मुझे काफ़ी वेट करना पड़ेगा एक सिग्नल के लिए, काफ़ी वेट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को यूज़ करते हो तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बट आप ये तरीका यूज़ करते हो तो ट्रस्ट में आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप हर एक कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, करेक्ट। आप हर एक, अब जब तक देखो कैसे ले सकते हो हर एक कैंडल पे ट्रेड, देखो यहां से आप डाउनवर्ड ट्रेंड देख पा रहे हो यार, यहां पे अपवर्ड ट्रेंड देखा लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, मतलब नेक्स्ट कैंडल पे आप डाउनवर्ड ले सकते थे, यहां पे भी आप डाउनवर्ड 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 जैसे इसको क्रॉस किया अपवर्ड, फिर यहां पे क्रॉस तो कर चुका है लेकिन आपको ये पता है इस लाइन से अभी भी नीचे रह सकता है, तो अब देखो यहां पे आपको इन 3-4 कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे और अभी भी आप मतलब अगर आप यहां पे भी 10 मिनट के ऊपर की ट्रेड लोगे तो भी आप विन करोगे। थोड़ा समझने की ज़रूरत है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है गाइज, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत पोटेंशियल रखती है अपने आप में, सेम यही आप यूज़ कर सकते हो बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ बाइनरी के, और सेम आप ये यूज़ कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, सेम आप ये यूज़ कर सकते हो आप अगर ग्राफ रीड करना चाहते हो 1 आवर का, 4 आवर का या 1 डे टाइम पीरियड का फॉरेक्स मार्केट में, तो भी आप ये सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करते होंगे और कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करूंगा यार वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया आज और कुछ अलग सीखने को ज़रूर मिला होगा वीडियो से, ठीक है। और कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे आप मोबाइल से इसको यूज़ कर सकते हो, तो यार आप मोबाइल में आईक्यू ऑप्शन में शायद इसे यूज़ कर सकते हो लेकिन बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में शायद नहीं यूज़ कर सकते इसे। तो यार उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होगी तो आपने लाइक कर दिया होगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हुए होंगे, नए होंगे टेलीग्राम चैनल पे माफी चाहूंगा, अगर चैनल पे नए होंगे तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कंटेंट के साथ, थैंक यू सो मच।